हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इलिप्स के अंदर पार्ट फोर, जिसके अंदर आपको दो आर्टिकल, वैसे तो एक ही आर्टिकल रहेगा, लेकिन उसको ही हम इतने बढ़िया वे में करेंगे कि आपका दूसरा आर्टिकल भी निकल जाएगा। फिर चार आपको ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे जिनको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो एक फुल ब्लेस्ड नॉलेज आपको मिलने वाली प्याजी स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल आपके सामने लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन एलिप्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे आप करोगे, पहले थोड़ा सा इसको आइडिया ले लो कि मान लो आपके पास कोई भी एक एलिप्स हो, तो यहाँ पर ये काम करना कैसे, वो सारा वर्किंग रूल आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर आपको जो थ्रेटिकल पोर्शन वो भी आप देख लेना, ठीक है, ये कैसे काम करेगा। मान लीजिए आपका एलिप्स है, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसकी आप इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि इसकी इक्वेशन कैसे है। तो हमें पता है कि इक्वेशन टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो आपके गिवन एलिप्स को खाली एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। लेकिन हम हमारे आर्टिकल कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा होगा जिसको मान कर चलेंगे कि एक्स वन और वाई वन है, और एक पॉइंट हम इसका नेबरिंग पॉइंट लेट कर लेंगे कि हमारे पास एक्स टू कॉमा वाई टू दूसरा पॉइंट है। अब यहाँ से हम इन दोनों को मिला देंगे तो जो आपके पास एक कॉर्ड बन जाएगी इस तरह से, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जैसे ये कॉर्ड बनेंगी, तो सबसे पहले हम इस कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारा टू पॉइंट फॉर्म के अंदर, जैसे हम प्लस वन के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते थे, वो हम निकाल लेंगे। अब हमें तो शो करना था टेंजेंट, लेकिन हमने निकाल रखा है यहाँ पर कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ से कॉर्ड को हम कैसे ट्रांसफर करके टेंजेंट के अंदर चेंज करेंगे, तो हम धीरे धीरे इस पॉइंट को मूव करवा देंगे कि ये पॉइंट आपका एक्स टू यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर, इसको हम पास ले जाएंगे। और एक पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि हमारा एक्स टू अप्रोच करेगा एक्स वन को, और वाई टू आपका अप्रोच करेगा वाई वन। तो इसका मतलब आपका जो एक्स टू कॉमा वाई टू होगा, हम उसको ले लेंगे एक्स वन कॉमा वाई वन ही कंसिडर कर लेंगे। तो जैसे आप अपने ये जो डिफरेंट टू पॉइंट्स है आप उनको कंसाइड कर देंगे, तो जो आपकी कॉर्ड थी वो रिड्यूस हो जाएगी, एक ऐसी लाइन जो सिर्फ और सिर्फ एक्स वन वाई वन के ऊपर ही टच करेगी, दैट बिकम्स अ टेंजेंट टू द गिवन एलिप्स हो जाएगा। तो जो वो फॉर्म बनेगी वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ से आइडिया हो गया कि पूरे आर्टिकल को कैसे करा जाता है, प्लस वन के कॉन्सेप्ट के साथ करा जाता है, चाहे हम बीएससी के अंदर है लेकिन नॉलेज हमारी प्रीवियस ही है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, आर्टिकल आपकी बुक के अंदर भी, लेकिन हम यहाँ पर खुद से करना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, आपके पास एलिप्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, और आप निकालना चाहते हो एक्स वन कॉमा वाई वन के ऊपर, आप यहाँ पर टेंजेंट निकालना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लेट कर लेंगे एक्स कॉमा जी जो आपका एक्स टू कॉमा वाई टू है, बी अ नेबरिंग पॉइंट, ये आपका नेबरिंग पॉइंट है, किसका, नेबरिंग पॉइंट ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन, और ये भी आपका ऑन एलिप्स ही यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये आपने यहाँ पर स्टेट लेट कर लेना है। तो जैसे हम ये चीज़ें लेट करेंगे, आफ्टर दैट हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालेंगे। आप मान लो कि यदि ये आपका पॉइंट ए है और ये मान लो आपका पॉइंट बी है, तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ ए भी निकालने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि आपकी कॉर्ड होगी ए भी वो निकालेंगे, जो कि हमारा प्रीवियस है। आपकी बुक के अंदर आर्टिकल दे रखा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो टू पॉइंट फॉर्म के अंदर इक्वेशन निकालते थे वाई माइनस वाई वन, आप प्लस वन की बुक निकाल कर देख लेना, आपको वहाँ से याद आ जाएगा जिन बच्चों ने प्लस वन करी होगी। नॉन मेडिकल के अंदर हो तो आपने प्लस वन तो करी होगी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो यहाँ पर आपने पॉइंट पुट करें तो ये प्रॉपर आपके यही वाले ही रहेगी, बिकॉज हमारे पास पॉइंट भी एक्स वन और वाई वन और एक्स टू वाई टू ही पॉइंट ले रखे, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। तो ठीक है, जहाँ पर हमने क्या लगाना है, तो धीरे धीरे हमने यहाँ पर निकालना है। तो ये हमारे पास एक स्टेप यहाँ तक आ चुका, आप इसको नंबर टू मानकर शो सकते हैं। अब डियर इसी के साथ हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास गिवन पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, जिन पॉइंट की हम बात कर रखें एक्स वन कमा वाई वन और एक्स टू कमा वाई टू, साथ में वो पॉइंट आपके वो एलिप्स के ऊपर लाइक करते हैं। तो यदि वो एलिप्स के ऊपर लाइक करते हैं, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट ये जो आपके पास है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने वन बाय वन इनको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो आप लाइन से लिख लेना, मैं आपको आर्टिकल दिखा दूंगा, वहाँ से लाइन लिख लेना एक बार स्क्रीनशॉट लेकर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि आपका जो पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन है और आपका जो पॉइंट दूसरा है एक्स टू कमा वाई टू, जो बोथ आपके लाई करेंगे ऑन एलिप्स वन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर उनको सब्सिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम पेन को लाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका बन जाएगा यहाँ से एक्स वन स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर आ जाएगा और वाई वन स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ये आपका इक्वेशन नंबर थ्री हो जाएगी। और साथ ही में हमारे पास दूसरा पॉइंट पुट करने पर एक्स टू स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई टू स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आपका वन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फोर। तो एक बार चेक लेते हैं क्या इतना पेन विजिबल रहेगा, नहीं, हम दूसरे के साथ ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बिकॉज
ये जब आप कंडीशन लगाओगे, हमें कंडीशन लगानी है कि हमारा एक्स टू अप्रोचेज टू एक्स वन, लेकिन यहाँ पर यदि आप लगा देते हो डायरेक्ट इसके ऊपर तो यहाँ पर नीचे जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले, थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे। हमारा मेन टारगेट रहेगा कि इस चीज़ को हम कहीं से ना कहीं से रिप्लेस कर दें किसी ऐसी चीज़ के साथ जो जहाँ वहाँ पर इन्फाइनाइट ना बने, ठीक है। तो वही करने वाले हैं। तो जहाँ से आप क्या करो, इक्वेशन नंबर फोर के अंदर से थ्री को माइनस करने वाले हैं। तो जैसे आप माइनस करोगे तो आपके पास एक्स टू का स्क्वायर है ओवर ए स्क्वायर है, वाई टू का स्क्वायर है ओवर बी स्क्वायर, और माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड जो कि एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, दूसरी तरफ आपका वन माइनस वन आ जाएगा। यहाँ से हम एक्स वाले एक साथ लिख लेते हैं तो हमारे पास वन ओवर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इन साइड आपका एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर बचेगा, और दोनों के अंदर से वन ओवर बी स्क्वायर कॉमन निकालने पर आपको वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू जीरो। या यदि मैं इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ तो हमारे पास वन ओवर ए स्क्वायर, यहाँ से यदि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करते तो एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस एक्स वन आपको मिलेगा, दूसरी तरफ आपका माइनस वन ओवर बी स्क्वायर था, और सेम आइडेंटिटी आपने दूसरी तरफ भी लगानी है वाई के ऊपर, तो वाई टू माइनस वाई वन इंटू आपका वाई टू प्लस वाई वन यहाँ पर रहेगा। तो डियर हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने y2 टू माइनस वाई वन और x2 टू माइनस एक्स वन की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा काम करेंगे, तो वैसे ही कुछ फॉर्म करेंगे। तो जी आपका यहाँ से y2 टू माइनस वाई वन दिख रहा है तो हम इस वाले पार्ट को यहाँ पर नीचे ले जाएंगे और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर इस तरफ लेकर आते हैं, और साथ में आपने सारी चेंजेस करनी। तो इस तरफ आपके पास एक्स टू प्लस एक्स वन ऑलरेडी है और आपने नीचे वाई टू प्लस वाई वन लगा दिया है, और ये आपका बी स्क्वायर भी इस तरफ ऊपर आ जाएगा, ए स्क्वायर आपका नीचे था, और साथ में आपका माइनस का साइन भी इस तरफ लगा देते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन यहाँ पर आपके पास बचेगा। तो इसकी वैल्यू, तो थोड़ा सा ये चेंजेस है आप लोग आपने आप जहाँ से कर सकते हो बहुत ही आराम से शिफ्टिंग तो आप कर सकते हो। अब इस वैल्यू को जो आपकी वैल्यू उसको आपने यहाँ पर पुट करना है क्वेश्चन नंबर टू। तो जहाँ से मैं लिख देता हूँ कि इसको टू के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ हमारे सामने निकल कर आएगी, आपके पास y माइनस वाई वन था और ये जो वैल्यू थी वहाँ पर हमने पुट कर देना माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, और इधर आपका x2 टू प्लस एक्स वन है, और नीचे आपका y2 टू प्लस वाई वन आ गया, और साथ में हमारे पास यहाँ पर x माइनस ऑफ एक्स वन था ना। अभी आप टेंजेंट निकालना चाहते हो तो हम यहाँ पर टेक कर लेते हैं कि हमारा x2 अप्रोच कर रहा है x1 को एंड हमारा जो y2 है वो अप्रोच कर रहा है y1 को, तो इसका मतलब आपने रिप्लेसमेंट यहाँ पर कर देनी है। अब जो आपकी कॉर्ड है वो धीरे 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 आपकी टेंजेंट में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आर्टिकल्स है काफ़ी आराम से, यदि आप करते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, इनके अंदर छोटी सी चेंज करनी थी या अब ये ठीक रहेगा, ठीक है। और यस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो आपका जो y हम सब डाटे को y1 के अंदर में ले जाएंगे, ठीक है, y1 और x1 के अंदर। तो यहाँ पर आपका x2 था वहाँ पर आप x1 लिख देंगे, और ये आपका x1 आ गया, नीचे भी आपका y1 प्लस y1 आ जाएगा, और ये आपका x माइनस x1 है। अब यहाँ पर आपके दोनों के दोनों जो प्लस हो रहे हैं तो वी विल गेट की लाइक हमारे पास कुछ ऐसा आंसर निकल कर आ जाएगा, और ये आपका टू ऑफ एक्स वन आ जाएगा और टू ऑफ वाई वन आ जाएगा, इस तरफ एक्स माइनस ऑफ एक्स वन है। टू से टू डियर कैंसिल कर देना, और इतना करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी और चेंजेस कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, वाई वालों को दूसरी तरफ रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये आपका जो वाई वन नीचे था उसको मैं बाहर ले गया, और साथ में बी स्क्वायर को भी ले चलते हैं वाई माइनस वाई वन की तरफ। इस तरफ हमारा माइनस का वन ओवर ए स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स वन आपके पास बचता है, और ऊपर आपका एक्स वन भी है। तो जैसे हम यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हमारे पास वाई इंटू वाई वन ओवर बी स्क्वायर और माइनस का वाई वन स्क्वायर ओवर आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा माइनस का एक्स इंटू एक्स वन ओवर ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा डियर। अब यहाँ से ध्यान से देखना, जिस टर्म के अंदर आपको वाई दिख रहा है, जिस टर्म के अंदर आपको एक्स दिख रहा है, वो तो वेरिएबल के अंदर है, लेकिन यहाँ पर ये जो वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है आपके पास, जहाँ फिर एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्चुअल के अंदर ये कॉन्स्टेंट नंबर है, ये नंबर या टर्म्स है। तो हम यहाँ पर थोड़ी शिफ्टिंग और कर लेते, तो जैसे आप इसको इस तरफ लेकर आएंगे एक्स इंटू एक्स वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई 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 वन ओवर बी स्क्वायर ऑलरेडी है, दूसरी तरफ आपका एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर था, और ये आपका वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर आपको इक्वेशन नंबर थ्री तो याद होगी ना, इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर हमारे पास क्या था, एक्स वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई वन ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन था। तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है कि हम इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। तो इतना सा काम है, तो आप यहाँ पर एक्स इंटू एक्स वन ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा, y इंटू वाई वन यहाँ पर, सॉरी y1 है हमारे पास,
और नीचे बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, बिकॉज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, बिकॉज द इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक्स और वाई की पावर्स वन वन मिल रही है। एलिप्स के अंदर आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर देखने को मिले था, तो वो कर्व होती है, कर्व आती है आपके पास वो स्क्वायर के अंदर है, लेकिन अभी आपका एक्स और वाई की वैल्यू वन वन, तो एक सर्कुलर लाइन और इट इज एन इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ लाइन। तो डियर, अब हमारे पास काफ़ी सिंपल सा आर्टिकल था, आपको मैंने सारे पॉइंट बता दिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपने इसको कैसे करना और क्या इसकी स्ट्रैटेजी है। तो यही हमारा यहाँ पर मेन मोटिव रहता है कि बच्चों को बता दिया जाए, स्टूडेंट को, कि कैसी ये चीज़ें हमारी प्रीवियस क्लास के साथ रिलेटेड है। तो ये आपका मेन आर्टिकल है, आप स्क्रीन को यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट कि आपने कैसे कैसे सारे स्टेप यहाँ पर लिखने हैं। तो इक्वेशंस आपने ऑलरेडी मार्क कर किया, तो ये आपका सारे का सारा स्टेटमेंट है, और आप यहाँ से भी कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, टेक द स्क्रीन शॉट, और मे बी आपके पास ये बुक होगी पहले से, ठीक है। तो मैं यहाँ तक इसको ये प्रॉपर आप लिख सकते हो इतना, ठीक है। यू कैन टेक अनिक अनदर स्क्रीन शॉट, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो ये तो हमारा मेन आर्टिकल जहाँ से निकल जाता है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन उन्होंने नोट दे रखा है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए एक अलग से आर्टिकल बना रखा है, लेकिन आपको इसके लिए करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ कि वो करना कैसे होता है। तो ये जब भी आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हो, तो आपके पास जब जैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आती है, सॉरी टेंजेंट आती है, हमें पता कि यदि ये आपकी टेंजेंट लाइन है, तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर टू आपका टेंजेंट रहता है। अब हमारे पास कह दीजिए ये पॉइंट, आप मान लो कि ये पॉइंट आपका एक्स वन कॉमा वाई वन के ऊपर आपने टेंजेंट निकाली, और उसी पॉइंट के ऊपर आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालना चाहते हो, विच इज़ वेरी इजी, टेंथ क्लास के अंदर हमने करा। इसको आप लाइन एल वन मान लो, इसको आप लाइन एल टू मान लो, आपके पास क्या रहेगा, आप जैसे एल वन फाइंड कर चुके हो, जैसे मेरे पास ये आ चुके हैं, तो आप यहाँ से इसकी स्लोप निकाल सकते हो। अब स्लोप ऑफ जब आप निकालोगे एल वन, तो ये होता है माइनस कॉफिशेंट ऑफ आपके पास एक्स होता है ओवर कॉफिशेंट ऑफ आपके पास वाई होता है, ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा। एक बार प्लस वन की बुक उठाकर देख लीजिएगा, आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद आ जाएंगे कि किसी लाइन, यदि आपके पास कोई भी लाइन एक दे रखी है, मैं साथ में रिमाइंड करवाता जाऊंगा चीज़ें सुधर के आपको थोड़ा सा इजी लगे। प्लस वन के अंदर आपके पास स्लोप निकालने के काफ़ी मेथड थे, जैसे कि आपका वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था इक्वेशन, ये आपका स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये आपकी स्लोप रहती थी, या फिर आपका ए एक्स प्लस बी ऑफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो टाइप का कोई भी आपके पास इक्वेशन दे रखी हो। जैसे कि अभी हमारे केस के अंदर भी ऐसा ही, हमें एक्स मिल रहा है साथ में कोई कांस्टेंट है, वाई मिल रहा है कोई ना कोई कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट हमारे पास दूसरी तरफ पड़ रहा है। अब जहाँ से भी आप स्लोप निकाल सकते हो, यू कैन कंपेयर दिस लाइन विद दिस वन, कि आप बी वाई को एज इट रखो, माइनस का ए एक्स हो जाएगा और माइनस का सी, और आप बी से जैसे डिवाइड करोगे तो माइनस ए ओवर बी, और दूसरी तरफ आपका माइनस सी ओवर बी। तो यहाँ से जो आपको एक्स का कॉफिशिएंट मिल रहा है, यदि आप कंपेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पर एम था, इधर हमारा माइनस ई ओवर बी आ गया, और ए हमारे पास क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी हमारे पास क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो इसलिए हम जब भी स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं, आपको लाइन कोई भी दे रखी हो, जैसे आपको टू एक्स है, मान लो थ्री वाई है इज इक्वल टू फाइव, तो आप इसकी जब स्लोप एम निकालोगे, आपको माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि टू है ओवर कॉफिशिएंट ऑफ वाई जो कि आपका थ्री है, ये निकाल देना, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप स्लोप ऑफ लाइन L1 निकाल लेते, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, स्लोप ऑफ लाइन L2। अब हमें पता है कि जो नॉर्मल की स्लोप होती है ना, जो आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल रहती है, वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट रहती है। तो काफ़ी आसान काम हो जाता है, आपने आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बना रखी है, वहीं से उसकी स्लोप निकाल लेनी है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेना। अब जो नॉर्मल होता है, वो भी तो एक लाइन ही होती है डियर। अब जैसे आपको नॉर्मल की स्लोप पता चल गई, मान लो एम टू, और वो नॉर्मल आपका इस पॉइंट एक्स वन वाई वन से पास करता है, तो देन वी कैन राइट और वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशन ऑफ, जैसे आप नॉर्मल निकालोगे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वन पॉइंट फॉर्म के साथ आपके पास आएगी, वाई माइनस वाई वन भी आप करेगा, यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख देना एक्स माइनस एक्स वन। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट और यू विल गेट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो ये हमारा अलग से रहेगा। आप अपने आर्टिकल का जो रहता है उसका भी निकाल सकते हो, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मेरे को बता देना, लेकिन जो मेरा मेन काम है यहाँ पर न्यूमेरिकल करना, वो मैं आपके लिए करवा देता हूँ। एक बार यहाँ से थोड़ा गाइड कर देता हूँ, यहाँ से इन्होंने देखो क्या कर रखा, आपके पास ये जो एक्स वन ओवर ई स्क्वायर जी आपका कॉफिशेंट ऑफ एक्स, और वाई वन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर का कॉफिशेंट ऑफ वाई है, तो इन दोनों को डिवाइड कर रखा है, बाहर माइनस कर रखा, थोड़ी सी साइडिंग करने के बाद आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ये तो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगी, और इसका आप नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो सब कुछ रेसिप्रोकल में मिलेगा, तो ये इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी।
आफ्टर दैट माई डियर स्टूडेंट, आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हो, तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बोला कि यहाँ पर आप स्लोप लिख देना, इसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, वाई वन और बी स्केयर जो आपका है इसको आप दूसरी तरफ सेंड करेंगे और एक्स वन और ए स्केयर को आप इसी तरफ रखेंगे। ओपन द ब्रैकेट, यू विल गेट यूर रिक्वायर्ड आंसर विद इन अ फ्यू मिनट। ठीक है ना जी, एक प्यार सी स्माइल के साथ करेंगे। अब इसके साथ जैसे हम यहाँ तक पहुँचते हो, मैंने जैसे कि प्रॉमिस करा था कि एक लेक्चर के अंदर आपको मैक्सिमम देना चाहता हूँ। आर्टिकल हमने दो कर लिए हैं, एक्सरसाइज हम सेकंड पर पहुँच चुके हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज के अंदर जो भी मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम जहाँ से करने वाले हैं। अब यहाँ से देखो, आपके पास फोर बी एक्सरसाइज के अंदर आप हम यहाँ से तीन यहाँ से सम करने वाले हैं एक साथ। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 दिस वन। यहाँ पर एक बात मैं भूल गया आपको बताना कि अब जब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सॉरी टेंजेंट निकाली थी ये वाली, तो इसका जो निकल कर सामने आता कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट ट्रिक, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है उसके अंदर एक्स स्क्वायर होता है, तो आपने अपने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर लेना एक्स इंटू एक्स वन के साथ और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर लेना वाई इंटू वाई वन के बाद। तो जस्ट आपने ये दो चेंजेस करनी है गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स के अंदर, तो यू विल गेट यूर इक्वेशन ऑफ आपके पास जहाँ से एलिप्स आ जाएगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी निकालनी है, सॉरी टेंजेंट भी निकालनी है और नॉर्मल भी निकालनी है। तो एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता जाऊँगा। तो पहली इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस फाइव ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 14, और हम कहाँ पर निकालना चाहते हैं, हम यहाँ पर 3.1 पर निकालना चाहते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमारे पास गिवन क्या है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा लेना कि हमारे पास जो एक्स वन कॉमा वाई वन था वो हमारे पास 3.1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर जस्ट आप रिप्लेस करोगे, यू कैन राइट हेयर कि वी जस्ट रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू एक्स वन दैट इज 3 ऑफ एक्स के साथ, और वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे वाई वन इंटू वाई दैट इज 1 ऑफ वाई के साथ रिप्लेस करेंगे। तो जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो आप यहाँ पर 3x पुट कर देंगे, यहाँ पर आपका सॉरी एक्स स्क्वायर को आपने रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा और रिप्लेस्ड बाई 3 ऑफ एक्स का लिया जाएगा। अब यहाँ से 5 तो ऑलरेडी है और वाई स्क्वायर आपका वहाँ चला जाएगा और वहाँ से आपका 1y निकल कर आएगा, दूसरी तरफ 14 को कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 14, तो ये हमारे पास क्या रहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सॉरी तो ये आपके पास क्या होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास हो जाएगा टू द एलिप्स आपके पास, और ये किस पॉइंट के ऊपर है एट द पॉइंट 3.1। कितना आसान था। तो डियर, अब जैसे ही आपने इक्वेशन ऑफ यहाँ पर निकाल रखी इसकी, तो यहीं से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो कि हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको आप m1 मार्क कर सकते हो, जो कि आपका माइनस कॉफिशेंट ऑफ x 3 है ओवर कॉफिशेंट ऑफ y आपके पास 5 है। इतना आ गया, तो अब आपके पास तो देयर फोर जो आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन होगी जिसको हम m2 कह देते हैं, जो कि आपका माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1 होगा, तो ये हमारे पास माइनस कैंसिल हो जाएगा 5/3 आपको मिलेगी। ठीक है डियर, तो जैसे आप लिखोगे तो देयरफॉर आपके पास जो आप इक्वेशन निकालोगे ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है आपने एट 3.1 के ऊपर निकालनी है, तो वो आपके पास बन जाएगी इस पहले फॉर्मूला लिख लो y माइनस वाई वन इंटू एम टू और x माइनस ऑफ एक्स वन। तो जैसे आप y माइनस वन करोगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस ऑफ यहाँ पर 3, और डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने हल्का सा चेंजेस करनी है, 3 को आपने दूसरी तरफ ले जाना है और 5 इंटू एक्स माइनस, इसके आगे का सफर आप लोग खुद से तय कर सकते हो। ब्रैकेट ओपन करो, एक्स वाई को एक तरफ लिखो और यू विल गेट योर मेन आंसर। ठीक है डियर, तो इतना हमारे पास हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको करवाने वाला हूँ जो हमारी सेकंड एग्जांपल आ रही है, जो सेकंड सम हमारे पास रहा उसको भी हम देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेते चले जाएंगे। ठीक है, सभी के अंदर से सो दैट की एक प्रॉपर नोट्स बन सके, आपके प्रॉपर काम हो सके। तो ये पहला तो हमारे पास हो गया, इसका आंसर भी नीचे दे रखा होगा शायद, तो इसका जो पहला आंसर से हमने निकाल रखा दूसरा आंसर भी आपको शायद ऐसा ही मिल जाएगा, वो आप देख लेना। ठीक है जी, अब पार्ट टू के अंदर आपको क्या करना है, फिर से आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी एट द पॉइंट दिस वन हुज ऑर्डिनेट दिस वन। अब आपने जिस पॉइंट के ऊपर निकालनी उसका ऑर्डिनेट दे रखा है, अब जहां पर आपको एक्स वन की वैल्यू नहीं पता है तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और मैं इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानूंगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, टीचर की प्रायोरिटी इसकी तरफ ज़्यादा होनी चाहिए यदि वो एग्जाम में डालेगा, बिकॉज इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये आपका सेकेंड रहेगा, प्लस हमारे पास 4 ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है,
और ऑर्डिनेट का मतलब क्या रहता है कि आपके पास गिवन है वाई वन की वैल्यू, ठीक है, वाई वन ले सकते हो कि हमारे पास वाई वन की वैल्यू गिवन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो एफसीसा है, अभी जहां पर आपके पास एफसीसा मिसिंग है, तो अब लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो एफसीसा की वैल्यू है, मतलब जो एक्स है वो होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। लेट करो कि एफसीसा हमारा एक्स वन है, ठीक है। तो देयर फॉर हमारा जो x1 कॉमा वाई वन पॉइंट आता है जिसके ऊपर आपने टेंजेंट निकालनी, वो हमारा x1 कॉमा टू निकल कर आता है। और हमें पता है कि ये जो पॉइंट होता है वो गिवन एलिप्स के ऊपर लाई करता है, बिकॉज जिस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट निकालते हो दैट पॉइंट मस्ट लाई ऑन अ एलिप्स, ठीक है, वो लाई करता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ पर x को x1 पुट करेंगे और y को आपने 2 पुट करना है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, जिसको बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम चेक करेंगे कि एक्चुअल के अंदर यदि आपका कोई एलिप्स ऐसा है यहाँ पर आपको y देखने को 2 मिल रहा है, मान लो जी आपका y की हाइट 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी रहेगी नीचे जाकर, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। हम पॉइंट y को पुट कर लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज ऐसी निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। तो x1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से आपका 16 इज इक्वल टू 25 निकल कर आ जाएगा, तो x1 स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा और x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस रूट 9, तो x1 की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 3 आ जाएंगे। तो इसके अंदर आपके पास ऐसे दो पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2 आपको मिल रही है। तो हाँ, दो ही वैल्यू होंगे, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर राइट साइड हो सकता है, दूसरा पॉइंट सेम हाइट आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड मिल जाती है, बिकॉज जिस सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आपको देखने को मिलते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे x1 y1, तो एक तो आपका प्लस 3.2 हो जाएगा और दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा माइनस 3.2। तो आप इसके ऊपर भी टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालोगे और इसके ऊपर भी आप टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालोगे। अब डियर, जहां से आपका सफर खुद से स्टार्ट होगा, तो जैसे आपके पास पॉइंट आ चुका है, इस पॉइंट के साथ आप पहले अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिएगा, जैसे कि हमने पार्ट वन के अंदर यहाँ पर कर रखा था कि हमारा पॉइंट हमें पता चल चुका है। फिर आप जस्ट रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को वाई एक्स और एक्स वन और वाई और वाई वन के साथ, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ जाएंगी। और जैसे ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएंगी, आप उसकी स्लोप निकाल लेना एम टू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप अपनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर देना, जी आपका पार्ट ए रहेगा, ठीक है जी, पार्ट ए कर लेना। तो पार्ट ए के लिए आप ये कलेक्ट करना है कि फर्स्ट आप फाइंड करने वाले हैं, फर्स्ट फाइंड करेंगे आप टेंजेंट एट द पॉइंट 3.2, और पार्ट वी के ऊपर आप सेकेंड आप क्या करोगे, फाइंड करेंगे इक्वेशन जो भी टेंजेंट की है और नॉर्मल की माइनस 3.2। तो आपको इसको दो बार करना पड़ेगा, दो बार, ठीक है। तो आपके पास टोटल दो टेंजेंट की इक्वेशन आएंगी, दो नॉर्मल की आएंगी, तो ये आपका काम जहाँ से हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने आपको आइडिया देना था, तो आइडिया आपको मिल गया होगा। और नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास थर्ड, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पर आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल की बात कर रखी है, जो आपका एक स्टैंडर्ड दे रखा है लिप्स है, और एट द पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम के ऊपर आपको यहाँ पर निकाल कर रखना है। अब लेटेस्ट रेक्टम के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज तो आपको लिप्स की होनी चाहिए। अब लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपको लेक्चर नंबर वन के अंदर या फिर लेक्चर नंबर टू के अंदर आपको ये चीज़ें बताई होगी कि यदि आपका कोई भी लिप्स, मान लो ऐसा लिप्स है आपके पास और उसका जो फोकस है, तो जी आपके पास एक ऐसी लाइन जो कि आपकी फोकस से, अरे वाह जी, फोकस से पास करनी चाहिए और परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, फोकस से पास करो परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, और जे इसके जो एंड पॉइंट है लाइज ऑन द लिप्स, तो इसको आप बोल देते हैं लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम आपको बोल देते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बोल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रखा है, बिकॉज ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, और ये पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। तो हमारा टारगेट कि हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करनी, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी, तो वी मस्ट नो अबाउट द पॉइंट, अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। अब जो पॉइंट आपका इस पॉइंट से पास करता है और जो फोकस जो होता है वो आपका सी कॉमा जीरो होता है, और इसको आप बिकॉज हमारे पास इसेंट्रिसिटी होती है सी ओवर ए, तो वी कैन ऑल्सो राइट सी इज इक्वल टू ए इंटू ए, तो आप इसको ए इंटू ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका ए ई कॉमा जीरो रहता है फोकस, तो यदि यहाँ पर एक्स की वैल्यू इतनी है, तो आपका जो लेटेस्ट रेक्टम जिसको मैं मान लेता हूँ कि एल वन है, तो आप इसको एल वन मान सकते हो फर्स्ट वाला, तो वहाँ पर आपके पास जो वैल्यू रहेगी आपकी, ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू की आपको ए ही देखने को मिलेगी। अब मेन आता है कि वाई की वैल्यू कितनी रहती है, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम अंदर। तो डियर आपको पता है कि इसकी जो टोटल लेंथ होती है, हम इसकी टोटल लेंथ करते हैं, याद होगा कि हमने लास्ट आर्टिकल के अंदर करा था कि 2b स्क्वायर ओवर a करा था। अब उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ होती है और यहाँ से लेकर नीचे की। अब ये डबल है तो इसका मतलब b स्क्वायर ओवर a आपको यहाँ पर हाइट मिलेगी, b स्क्वायर ओवर a आपको यहाँ पर हाइट मिलेगी, तो इसका मतलब जो y की हाइट आपको मिलेगी इस पॉइंट के ऊपर वो आपको मिलेगी b स्क्वायर ओवर a,
तो जी आपको आपका लेटेस्ट वेक्टर मिल जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हमने ये L1 निकालना होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपका पार्ट थ्री रहेगा डियर स्टूडेंट, और हमने यहाँ पर L1 की वैल्यू निकालनी है इसके लिए, और बाद में उसी पॉइंट के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो नॉर्मल के लिए आप पहले टेंजेंट निकाल लेना। तो मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर दिखा दिया कि आपका जी वाला पॉइंट यहाँ से निकल कर आ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अभी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, पॉइंट आपका आ गया। तो आपने इक्वेशन ऑफ जैसे ही नॉर्मल निकालनी, तो पहले आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको जस्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें फाइंड करना है फर्स्ट बी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है डियर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम यहाँ पर निकालने वाले हैं एट दिस पॉइंट L1 के अंदर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा। यू कैन टेक इट एज X1, Y1। तो आपको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा X1 इंटू सिंपल एक्स के साथ। अब एक्स की वन की वैल्यू आ रही है A into E ऑफ एक्स चला जाएगा, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा Y1 into Y के साथ, और Y1 की वैल्यू आ रही है B² और इंटू आपका वाई। तो आपकी जो मेन इक्वेशन आपको दे रखी थी X² / A², तो वहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे AE(x), नीचे आपका A² था, और दूसरी हमारे पास वैल्यू थी Y² / B², तो वहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे B² / A (y) और नीचे आपका B² था = 1। जहाँ से थोड़ी सी हम चेंजेस कर सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते कर सकते हो, यस यू कैन ऑल्सो मेक सम काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन ना। तो 20² से 20² आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, जहाँ से 1 A से A आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका EX/A बचेगा, और जहाँ से आपका A नीचे चला जाएगा तो Y/A = 1 बचेगा। और वी कैन से दैट कि हमारे पास जहाँ से A एलसीएम आ गया, तो EX+Y = आपका A मिलेगा। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लियर आ जाएगी। आप इसकी स्लोप निकालोगे M1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, वो आपका नेगेटिव कॉफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशियंट ऑफ Y1 आएगा, दैट इज माइनस ऑफ ई आ जाएगी। और उसी के बाद यदि आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हो ऑन सेम लाइन M2, वो आपका आ जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव खत्म, और रेसिप्रोकल करने के बाद M2 आपको 1/E देखने को मिलेगी। तो डियर इक्वेशन बोल रहे हैं, एक्चुअल कहते हैं ना थोड़ी सी गर्मी है, तो गर्मी अभी भी है, तो फैन तो मैंने ऑफ कर रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो चुका है अब तक। लेकिन बढ़िया लगता है यदि आप यहाँ पर नीचे बढ़िया से प्यारे से कमेंट करके बताते हो कि सर हाँ मज़ा आ गया इसे देख पर, और आपका जीरो डाउट एक नीचे आप लाइन लिखना, मतलब बोलना कि सर जीरो डाउट के साथ ही लेक्चर चला गया, या फिर क्रिस्टल क्लियर जैसे बोलते हैं आप, वो चीज़ें कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप तारीफ कर सकते हो, ठीक है। यदि आप यहाँ तक पहुँचे तो इसका मतलब आप वाकई में सीरियस हो स्टडी के लिए, ठीक है, और आप हमारे फैन हैं, ये तो कहने की बात है, लेकिन आप बढ़िया हो। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पर निकालनी है एट पॉइंट L1, और आपकी स्लोप आ गई, तो आपका आ जाएगा Y - Y1, और यहाँ पर M2, और उसके आगे का सफर बच्चों आपका खुद से रहेगा। और आपका Y1 था B² / A था, यहाँ पर स्लोप आपकी 1/E आ गई, और ये आपका A into V था। खाली आपने ब्रैकेट ब्रैकेट्स ओपन करनी है, और इसको बाद में प्रॉपर AX+VY = C टाइप की इक्वेशन बनाकर आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने दो आर्टिकल देखे, इन दो आर्टिकल के रिलेटेड इनकी जो एप्लीकेशन रहती है आर्टिकल की, कि सर ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालनी है, नॉर्मल की कैसे निकालनी है, क्या हमें नॉर्मल की इक्वेशन जो रहती है इन जनरल, क्या उसको भी हमें याद कर जाना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं करना। आपने बस अपना आर्टिकल है, वो मैंने आर्टिकल भी आपको ऐसा करवा दिया कि कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझिए कि उस आर्टिकल को स्टार्टिंग कैसे करें, कैसे हम टेंजेंट तक पहुंच सकते थे। हमने स्टार्टिंग के अंदर एक कॉर्ड कंसीडर करी, और उसी कॉर्ड के दोनों पॉइंट को हमने कंसाइड करने आने की कोशिश करी, जैसे वो पॉइंट कंसाइड करते हैं तो दैट रिड्यूसेस टू द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाती है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड कर लेते हैं। तो जिन जो स्टूडेंट्स न्यू हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ी सी हेल्प आप करना चाहते हैं हमारी, तो वो आपने पैसा पे नहीं करना है, आपने बस इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में आपके इस सर की हेल्प करनी है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, खाली आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ, और यदि ज़्यादा कमेंट आते हैं टॉपिक को लेकर तो हम फिर सर मजबूर हो जाते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि ये जो वीडियोस आ रही है वो 3 मंथ के गैप के बाद आनी स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज बच्चों के कमेंट ही इतने आ रहे थे कि सर एनालिसिस और एनालिटिक ज्योमेट्री करवा दीजिए। तो आप लोगों का जो प्यार होता है वो अट्रैक्ट कर देता है, और टीचर को मजबूर कर देता है काम करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं प्यार सी स्माइल के साथ नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहो, और क्या हो सकता है, जब मैं पढ़ता हूँ कि आप पढ़ते रहो ना, तो पढ़ने में ही मजा है जिंदगी का, ठीक है। बस आप काम करते रहो, आपका जो कर्म है, आपका जो धर्म है,
दोनों सेम हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, इससे ज़्यादा बातें नहीं करते। टेक केयर अजय।